नमस्कार। तो मेरी आज की जो कहानी है वो दो बहनों की कहानी है, निधि और शोभा। निधि और शोभा का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था। निधि और शोभा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। निधि बड़ी थी और शोभा उसे 2 साल छोटी थी। दोनों बहनों का आपस में प्यार अद्वितीय था। जो लोग उन्हें देखते वो कहते कि अगर बहन का प्यार हो तो निधि और शोभा जैसा। उसके माता पिता उन पे बहुत गर्व करते थे। निधि पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी, शोभा खेल कूद में बहुत आगे थी। माँ बाप को उनकी चिंता नहीं थी। निधि को आगे जाके पॉलिटिक्स यानी राजनीति में जाना था और शोभा को बड़ी सी स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी थी। उनके माँ बाप उनके सपनों को उड़ान देना चाहते थे। उनके माँ बाप ये मानते थे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे निधि और शोभा बड़े होते गए वैसे वैसे उनके अंदर के सारे अच्छे गुण और विकसित होते गए। बस फर्क एक रह गया कि निधि जो बड़ी बहन थी वो दिखने में ठीक ठाक थी और शोभा जो छोटी बहन थी वो देखने में बहुत सुंदर। कुछ सालों तक ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस था, जो तफावत था, वो इतना उनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद निधि के मन में शोभा के लिए थोड़ी सी ईर्ष्या पैदा हो गई। शोभा उसकी छोटी बहन थी, उसके लिए ईर्ष्या पैदा होना निधि के लिए वाजिब नहीं था। पड़ोसी, रिश्तेदार, आसपास वाले लोग, दूध वाले, सब्जी वाले, जितने भी लोग दोनों बहनों को साथ में देखते हो यही बोलते, देखो देखो वैसे तो दोनों बहनें हैं लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों बहनें हैं, एक इतने सुंदर और एक ठीक ठाक, ऐसा लगता है जैसे दो अलग माँ की बेटियां हों। शोभा इन बातों को इतना दिल पे नहीं लगाती थी लेकिन निधि के दिल पे ये बात चुभती थी। कहीं ना कहीं वो खुद को शोभा से अच्छा साबित करना चाहती थी। एक तो वो उम्र में बड़ी थी और पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत आगे थी। उसका बस एक ध्येय हो गया कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे पास इतना धन आ जाए, इतना वैभव आ जाए कि लोग शोभा के रूप को देखे ही नहीं। दूसरी तरफ शोभा के मन में ऐसा नहीं था। वो अपनी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करती थी। लोगों का बोलना उसे बुरा लगता था और वो अपनी बहन को अपने से होती तुलना में देख नहीं पा रही थी। उसे ये लगता था कि दो बहनों के रूप की तुलना करना दोनों के लिए ही बराबर चीज नहीं है, दोनों ही के लिए ये एक नाइंसाफी थी। धीरे धीरे निधि और शोभा के बीच में बात कम होती गई और ये सब उनके माँ बाप ने भी देखा। उनके माँ बाप को उनकी दोनों बच्चियों की फिक्र थी। निधि का जो बर्ताव था उसमें आते हुए बदलाव भी सबकी नजर में धीरे धीरे आने लगे। सब धीरे धीरे कहने लगे कि भाई निधि तो अपनी छोटी ही बहन से जलती है। निधि जानती थी कि कहीं ना कहीं ये बात सच है लेकिन ये सच वो सुनना नहीं चाहती थी। इस सच को वो
लोगों के मुंह से सुनना नहीं चाहती थी। आखिरकार निधि ने एक फैसला लिया। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अपने इस छोटे से गांव में बाहर जाके करने का निश्चय किया। वैसे तो गांव के पास जो शहर था वहां पे बहुत अच्छी कॉलेज थी, लेकिन निधि को बहुत दूर जाना था, ये गांव, ये लोग और शोभा से दूर जाना था। वो जानती थी कि इन सब के चक्कर में वो अपने माँ बाप से भी दूर जा रही है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। निधि चली गई दूसरे शहर कॉलेज करने के लिए। शोभा को तो अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी थी। उसको गांव में ही रह के गांव के ही बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाना था। निधि की कॉलेज का जो समय था वो बहुत अच्छा रहा उसके लिए। घर से दूर, गांव से दूर, लोगों से दूर। उसको ये लगता था कि शहर में अब उसका विकास अच्छा हो रहा है। उन 5 सालों के लिए निधि जैसे भूल ही गई कि शोभा का उसके जीवन में कोई अस्तित्व भी है। इस कॉलेज के समय के दौरान उसकी मुलाकात अभय से हुई। अभय उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था। उसे 1 साल उम्र में बड़ा था। उन दोनों की दोस्ती कॉलेज के पहले ही साल में, जो कि निधि का पहला साल था, तब हुई थी। अभय उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद करता था। निधि पढ़ने में बहुत तेज थी, सारी चीजों को वो जल्दी जल्दी सीख लेती थी और इसीलिए अभय को भी उसको पढ़ाने में बहुत मजा आता था। कॉलेज के 3 साल दोस्त रहने के बाद निधि के मन में कहीं ना कहीं अभय के लिए थोड़ी थोड़ी प्यार वाली फीलिंग आने लगी थी। निधि को लगा कि अभय जैसा लड़का अगर उससे शादी करेगा तो उसका जो रूप है, जिसकी तुलना शोभा के रूप से की जाती है हमेशा, वो उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसके रूप पे उठने वाले सवाल अपने आप बैठ जाएंगे। वो चाहती थी कि अभय उससे शादी करे। अभय ना सिर्फ पढ़ाई में तेजस्वी था, पर वो दिखने में भी बहुत सुंदर था। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिता उसी शहर में एक नामी वकील थे। घर में घी दूध की कोई कमी नहीं थी। निधि का परिवार भी देखने जाओ तो अपने गांव का काफी अमीर परिवार था। उनके घर में भी घी दूध की कोई कमी नहीं थी। निधि को लगा कि अभय जैसे लड़के से शादी करूंगी तो वो सारे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा जो मेरे रूप की तुलना शोभा से करते थे। निधि का ख्याल शादी करने का गलत नहीं था, पर वो जिस वजह से शादी करना चाहती थी वो गलत था। हालांकि वो अभय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी करने के लिए दो लोगों में आपस में अच्छा रिश्ता होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ दिखावे के लिए की गई शादी, वो शादी शायद नहीं भी चलती। सिर्फ दिखावे के लिए की गई शादी का परिणाम कई बार बहुत गलत भी आ सकता है, लेकिन निधि को कौन समझाए। अभय का कॉलेज का समय निधि से 1 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन वो निधि से मिलता रहता, उसकी मदद करता रहता। अभी अभय भी अपने पिता के साथ कोर्ट जाया करता। निधि को ऐसा लगता था कि अभय भी अपने पिता की तरह कुशल वकील बनेगा।
वो भी उतना ही नाम कमाएगा जितना उसके पिता ने कमाया है। निधि का कॉलेज का समय पूरा हो गया था, अब उसके गांव वापस जाने का वक्त आया था। शहर में आगे नौकरी करने से पहले वो अपने माँ बाप को अभय से मिलवाना चाहती थी, इसलिए वो गांव गई। और गांव जाते ही उसने माँ बाप को अभय के बारे में बताया। इस तरफ शोभा का जीवन भी काफी अच्छा चल रहा था। माँ बाप के सहयोग से और अपनी कुशलता की वजह से उसने गांव में ही अपनी एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोल ली थी। उसने काफी अपने जैसे और लोगों को इस काम में जोड़ा था, जो किसी वजह से खेल कूद में आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनका खेल कूद को लेके ज्ञान काफी अच्छा था। इतना अच्छा कि वो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा खेल वीर बनाने के लिए तालीम दे सकते। शोभा के इस काम की वजह से उसके ही नहीं, आसपास के गांव के वो सभी बच्चे खेल कूद की वो तालीम ले पा रहे थे जो शायद शहर में भी उनको इतने कम रुपयों में इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। निधि जब गांव जाती है तो वो देखती है कि शोभा ने अपने जीवन में अपने दम पे काफी कुछ हासिल कर लिया, वो भी उसी गांव में रह के। पर अब उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने अभय से शादी करके हमेशा के लिए शहर चली जाना चाहती थी। घर जाते ही निधि ने अपने माँ बाप से अभय के बारे में बात की। निधि के माँ बाप इस बात से बहुत खुश हुए, वो अभय से मिलने के लिए तैयार हो गए। निधि ने अभय को कुछ भी कहे बिना, कोई सच्चाई बताए बिना ऐसे ही मिलने के लिए अपने गांव बुला लिया। अभय गांव चला आया। अभय के आने के बाद निधि ने तुरंत उसे कुछ भी नहीं बताया। वो चाहती थी कि कुछ दिन अभय उसके साथ रहे, उसके जीवन में जितने भी लोग हैं उनको देखे परखे समझे, उसके बाद निधि उसको शादी के लिए प्रस्ताव रखे। अभय निधि के साथ 10 दिन रहने वाला था और निधि ने ये सोच लिया था कि वो 10वें दिन पे अभय को शादी के लिए पूछेगी। अभय को गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था और निधि के गांव में जाके उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। पूरा दिन वो गांव में जो जो चीजें होती थी उसका आनंद लेता था। इतना ही नहीं, वो शोभा की स्पोर्ट्स एकेडमी जाके वहां पे भी लोगों की मदद करता था। देखते ही देखते 10 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। और अब अभय का शहर जाने का वक्त हो गया था। निधि ने सही समय पे अपना काम करने का निश्चय किया था। वो अभय के पास गई और उसने अभय से अपनी मन की बात कही। अभय, कॉलेज में इतने समय तक साथ रहने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मुझे लगता है कि तुमसे शादी करूंगी तो मेरा जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा। हम एक बहुत अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? निधि की बात सुन के अभय जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि निधि मजाक कर रही है। मजाक कर रही हो ना निधि, मेरी टांग खींच रही हो तुम। दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, उन्हें सब पता होता है। निधि अभय के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गई। क्या कह रहे हो अभय, हंस क्यों रहे हो? अरे निधि निधि, मैं जानता हूं तुम मुझे परेशान कर रही हो, मेरी टांग खींच रही हो। मेरे इतनी अच्छे दोस्त हो, तुम जरूर जानती हो कि मेरे मन में क्या है।
इसीलिए बस अभी मेरी टांग खिंचाई चल रही है। निधि अभी भी अभय की बातों को समझ नहीं पा रही थी। उसके मुंह पे हाव भाव देख के अभय ने उसे समझाया, अरे निधि ऐसे क्या हाव भाव दे रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। समझो, मैं जानता हूं कि तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन शोभा से बहुत 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 प्यार करने लगा हूं। निधि के पैरों तले से जमीन सरक गई। अभय, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे पागल, मैं क्यों मजाक करूंगा? जब से यहां पे आया हूं ना, तब से बस मैं शोभा को ही देखे जा रहा हूं। ना सिर्फ वो दिखने में अच्छी है, पर वो काम कितने अच्छे से करती है। वो जो करती है उसमें अपने आप को पूरा झोंक देती है। इन 10 दिनों में मैंने शोभा को वो हर काम करते देखा है जो मुझे लगा था कि लड़कियां कर ही नहीं सकती। सच में, गांव में रह के गांव का विकास और उद्धार कैसे करना है वो कोई शोभा से सीखे। मुझे अपने जीवन में एक ऐसी ही पत्नी की तलाश थी जो ना सिर्फ अपना पर अपने आसपास के लोगों का भी उद्धार करे। हम तो शहर में रह के बस अपना उद्धार करते हैं, लेकिन शोभा जैसे लोग गांव में रह के गांव का और गांव के आसपास के लोगों का भी उद्धार करते हैं। मुझे उसके अंदर अपनी सच्ची और पक्की जीवन साथी दिखती है, और मैं जानता हूं कि तुम ये बात अच्छे से जानती हो, इसीलिए मेरी टांग खींच रही थी ना। अभय तो ये बात बोल के चला गया, लेकिन निधि निधि को लगा जैसे अपने जीवन में सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसमें वो शोभा से आगे बढ़ रही थी और जीत रही थी, लेकिन उसमें भी आज वो शोभा से हार गई थी। कहीं ना कहीं उसके द्वेष और उसके ईर्ष्या उसके जीवन में उसको इस मकाम पे लाके खड़ा कर गई थी। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने सद्गुणों को और निखारना चाहिए और तराशना चाहिए, ना कि दूसरों से खुद की तुलना करनी चाहिए। हम दुनिया में रहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे हमसे भी अच्छे दिखने वाले लोग और हमसे भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा प्राप्त कर चुके लोग, हमसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग, हमसे भी ज्यादा समझदार लोग रहते हैं। हमें कभी खुद की तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ अच्छा दिया है, तो हमें अपने उस गुण को निखारना चाहिए, तराशना चाहिए। मेरी आज की कहानी बस इतनी थी। आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी मेरी कहानी पे क्या रिव्यूज हैं। आप अपने मत मुझे अब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे हर वीडियो में आप अपने मत जरूर लिखें। कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ बात करना जरूर चाहूंगी। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मुझे अपनी चैनल में और क्या सुधार लाना चाहिए। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।